हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में इफ और काउंटिंग फार्मूले के बारे में। सेकंड हम लोग सीखने वाले हैं मीन और मैक्स फार्मूले के बारे में। चलिए इसको जानते हैं, इसका यूज क्या है और किस किस कंडीशन में किया जा सकता है और किस डाटा बेस पे किया जा सकता है। तो चलिए, इसके लिए हमने एक डाटा बेस बनाया है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने इसको समझा तो दिया ही है, ठीक है। अब हम यहां से लेके यहां तक पूरा डिटेल डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरी हमको नहीं है। सपोज मान लीजिए हम ऐसे जगह काम कर रहे हैं और जहां पे हमने अपने इम्प्लाइयों का नाम लिखा है और उनका एज लिख दिया है, प्लस एड्रेस लिख दिया है, हमने जेंडर मेंशन किया है, कितना कितना सैलरी दिया जाता है वो हमने मेंशन कर दिया है। और सपोज वहां पे उस महीने में या उस साल में या कोई त्योहार आ गया, उस समय उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और इम्प्लाई से बहुत खुश है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बोनस दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है और वह ओनर कह देता है कि चलो इस बार हमारे जितने इम्प्लाई हैं उनका मैं कैटेगरी वाइज कुछ मैं बोनस देना चाहता हूँ और उसी के हिसाब से एक रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, किस महीने में सबको टोटल हमको सैलरी देना कितना होगा, तो उसके लिए हमको बोनस निकालना कैसे है और एक बार में निकालना कैसे है वही सीखने वाले हैं। अगर नॉर्मल अगर कोई कह दे तो हम लिख सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। तो मान लो दो चार लोग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 15 20 25 उस कंपनी में 100 200 1000 लोग है तब वहां पे बार बार 500 1000 2000 5000 3000 भरते रहिए, टाइम लगेगा। हम सोच रहे कुछ ऐसा करें कि एक बार निकाल दें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो चाहे 5000 लोगों का डाटा हो या चाहे 1 लाख लोगों का डाटा हो, एक बार वो निकल जाए, ठीक है। अकाउंटेंट वाले को 10000 आ जाए, ठीक है, सेल्समैन वालों को 2000 आ जाए, जो भी कंडीशन है वो आप लोग निकाल सकते हो। तो हमने बस मेल और फीमेल पे रखा है, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज करके भी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो सके कि अगर कंडीशन आता तो कैसे अप्लाई करोगे। बहुत सिंपल तरीका है, इसके लिए आप इफ फार्मूला लगाओगे। तो मेरा कंडीशन यही है, ठीक है, मेरा कंडीशन यही है कि मेरे यहाँ जो काम करते हैं जो मेल है उनको देना है 5000, जो फीमेल है उनको देना 4000 या 6000। गुस्सा जाएंगे सर हमको क्यों कम दे रहे हैं, ठीक है, एक बार तुम लोग ज्यादा दे दे रहे हैं, ठीक है, एक बार हम लोग कम ले ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कंडीशन के ऊपर है, कैसे लगेगा वह समझिएगा, ना कि वह रहना चाहिए कि बाबू हमको क्यों सर कम, अपना कम करिए, ठीक है। करेंगे इक्वल और इक्वल करने के बाद करेंगे ई फार्मूला लगेगा यहाँ पे और कर देंगे ओपन। अब ओपन करने के बाद बहुत सिंपल है, कहा जा रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो हमारा कंडीशन क्या है, तो हमने कंडीशन जो लगाया हुआ जेंडर पे लगाया, ठीक है, क्योंकि नाम के हिसाब से नहीं निकाला जा सकता, नाम बहुत सारे अलग अलग कितना कंडीशन देंगे, तो हमने पोस्ट के आधार पे जेंडर के आधार पे लगाया। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या सिलेक्ट करेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से हमने क्या किया, इक्वल किया, मैंने बोला जेंडर इक्वल डबल वर्ड काम हमें मेल, तो कामा आप दीजिएगा 5000, डबल वर्ड कामा का अंदर लिखिए कितना 5000। उसके बाद जो भी आए उसके बाद क्या है, ईमेल के बाद फीमेल ही है, तो फिर से अगले कंडीशन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको जो भी आए इसमें उसको हमको देना कितना, चलो 500 कम करते हैं, ब्रैकेट कर देंगे बंद, ओके कर देंगे इंटर। तो देखो मेल के सामने क्या है, 5, तो जहां जहां मेल होगा वहां वहां 5, जहां जहां फीमेल होगा 45, ड्रैग एंड ड्रॉप, समाया। लेकिन जब कंडीशन ज्यादा हो तो ये पढ़ाते जाएंगे। चलो मान लो यहाँ पे हमने मेल हटा दिया और डिलीट कर दिया इसको, और किसी पोस्ट की बात करते हैं वहां पे काम क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे 45 45 क्यों आया, क्योंकि फास्ट मूवी बताए थे, उसको कुछ भी हो 45 दे दीजिएगा, यहाँ पे तो कंडीशन चेंज करना। तो हमने दे दिया यहाँ पे सेल्समैन
अकाउंटेंट वर्कर, नॉर्मल कोई वर्कर है बस, और ड्रेगेट ड्रॉप कर देते हैं, तो वर्कर सेल्समैन, वर्कर सेल्समैन कई सारा आ जाएगा। इस समय तो केवल 45-45 है, क्योंकि बस ऑप्शन दिया था कि मेल पाए तो 5000, उसको जो भी पाए 45 है। तो हमने क्या किया, इस बार कंडीशन चेंज करना है, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। और हमारा शर्त यहाँ पे अलग है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट, तो हमने पोस्ट वाले को सेलेक्ट कर दिए और इक्वल किया और डबल मैंने कमा किया, और हमने बोला सेल्समैन, क्या बनाया सेल्समैन जो होंगे काम वैल्यू टू क्या देना, तो ने बोला 5000 देना काम वैल्यू टू। तो सर अभी और आगे बढ़ना है, फिर लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपे लॉजिकल टेस्ट, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इक्वल करेंगे और डबल वाले कामा करेंगे, लिखेंगे अकाउंटेंट और डबल वर्ड कामा क्लोज कामा, फिर से डबल वर्ड कामा, किनको देना है 6000 पद के ऊपर दे रहे हैं जिसका जो है कामा, उसके बाद जो भी आया तो उसके बाद वर्कर नाम वाला हमारे में दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है, तो हमने बोला उनको दे दीजिएगा 4000। सबको एक समान तो दे नहीं सकते, जिसका जो काम है उसके हिसाब से सैलरी है, उसके हिसाब से बोनस भी देंगे। 1 2 इंटर, तो सेल्समैन तो क्या आया 5000 ड्रैग एंड ड्रॉप, आ गया बाबू। तो जहां जहां सेल्समैन है देखो 5000, जहां जहां अकाउंटेंट है 6000, नॉर्मल वर्कर 4000। अब चलो इसमें से कोई अलग कोई नाम लिख दे और आ गया मेल फॉर एग्जाम्पल, तो बताओ कुछ आएगा, आएगा अच्छा, मतलब उसके बाद अदर जो भी आएंगे क्या होगा जी, अगर तीनों कंडीशन दे देंगे तो उसके बाद जीरो कर दो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ होगा, तो आप लोग इस्तेमाल कर ले जाओगे, बहुत सिंपल तरीका है। तो सबसे अच्छा क्या करना, यही वाला कंडीशन लगाना, पोस्ट वाला सेल्समैन अकाउंटेंट आपके ऊपर जो लगाना है, ठीक है, एक मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, लिख लो उसको। सेलेक्ट बस अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अब सैलरी ज्ञात करना है, उस महीने में सैलरी किसको किसको कितना देंगे, तो कितना सिंपल है, इक्वल जो सैलरी था प्लस जो बोनस था, ठीक है, और इंटर दबा देंगे और यहां से निकाल देंगे, ओके। अब चलो हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस महीने मिनिमम सैलरी कितना दे रहे हैं, टोटल जितने हैं लोग उसमें से मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, तो अगर ये चेक करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हो। तो बताओ मिनिमम के लिए हमने बताया था क्या, मीन फार्मूला, और मैक्सिमम के लिए मैक्स फार्मूला। तो चलिए मिनिमम सैलरी ज्ञात करना है तो करेंगे इक्वल और लिखेंगे मीन ब्रैकेट को ओपन नंबर, तो टोटल सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, भले इसमें मिनिमम जो सैलरी दे रहा है वो दे रहा है 27000, उससे कोई मिनिमम सैलरी हम हमारा फर्म नहीं ले रहा है, ये सबसे मिनिमम है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम ज्ञात करना है, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन नंबर,
तो जितना टोटल सैलरी सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर 40,000। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एज मैक्सिमम एज तो ये सेम ही है, ये तो आप निकाल लेंगे ना। बोलो यहां से इसमें बस क्या करना, इक्वल मीन इस पर किसको सेलेक्ट करोगे जी, कर दिया हमने ब्रैकेट बंद। मिनिमम एज 20 तक है, मैक्सिमम तो उसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद 33। रिजल्ट निकल गया ना, तो कितना सिंपल है, जो पढ़ाए हैं उसी से निकला है। लेकिन माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे, कंडीशन क्या रखा जा रहा है और रिजल्ट क्या निकालेंगे। चलिए अब हमको निकालना है टोटल मेल का संख्या और टोटल फीमेल का संख्या। तो चलिए यहां पे हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, टोटल अकाउंटेंट, ठीक है, और यहां पे जहां फीमेल हमने चेक कर दिया टोटल सेल्समैन। इसमें कौन ऐसा लड़का है जो बता देगा, लड़का मतलब सभी लोग, लड़का लड़के दोनों में से कोई, क्या लगाएंगे बाबू? इसी लड़के का दिमाग चलता है और किसी के नहीं चलता है जी। अगर टोटल अकाउंटेंट की संख्या ज्ञात करनी हो या टोटल सेल्समैन की संख्या ज्ञात करनी हो, तो मैंने बताया था और यह सर पढ़ाए होंगे आपको, और बताया गया था कि जब भी कंडीशन के आधार पे गिनना हो संख्या, किसकी संख्या कितनी है, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग। जैसे इतने स्टूडेंट हो और मैंने सबका कोर्स लिखा है, किसी का डीसीए है, किसी का डीएफए है, किसी का ट्रिपल सी है, किसी का बीजी है, किसी का टैली है, और हमको चेक करना है कि इतना 20 25 30 लड़के हैं उसमें से डीसीए का कितनी संख्या है या ट्रिपल सी की कितनी संख्या है या बीसीए का कितना संख्या है, तो कंडीशन दिया गया तब गिन के बताओ, तो वहां पे हमेशा लगाते हैं काउंटिंग। तो ये हमारा कंडीशन है, टोटल अकाउंटेंट बता दो, टोटल सेल्समैन बता दो। तो जब कंडीशन के आधार पे गिनना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग, जब विदाउट कंडीशन तो काउंटिंग, जब केवल नंबर तो काउंट। इधर पढ़ाया था, समझाया था आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है ना, तो तीनों के बारे में समझाया था क्या क्या होता है, ठीक है, हाल ही में बताए थे फिर भी भूल गया। चलो टोटल अकाउंटेंट की संख्या ज्ञात करनी है, लगाएंगे इक्वल और काउंटिंग, ब्रैकेट को ओके, अरेंज, तो रेंज में जो भी पोस्ट हमने सेलेक्ट किया है सेलेक्ट कर ली, कामा क्राइटेरिया डबल वाली कामा, क्या चेक करना है, टोटल अकाउंटेंट की संख्या, तो लिखेंगे अकाउंटेंट बस, डबल कामा क्लोज ब्रैकेट बंद इंटर। टोटल अकाउंटेंट की संख्या 3, गिन लेना आप लोग, इक्वल क्या लगाएंगे, काउंटिंग, ब्रैकेट ओपन, रेंज कामा डबल कामा, क्या चेक करना है, सेल्समैन, ब्रैकेट बंद, स्पेस ज्यादा दे दिया ना, स्पेस ज्यादा काम नहीं करता इसमें, इक्वल डबल का ठीक तो है, काउंटिंग लगा, रेंज लगा, स्पेस दिए इसलिए काम नहीं कर रहा है, अब चेक करें, स्पेस इसे हटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो स्पेस हटा देंगे, क्या रेंज सेलेक्ट किया, यही रेंज सेलेक्ट किया हमने, मैंने क्या छोड़ा है, अच्छा जरूर यार फर्स्ट वाले क्यों सेलेक्ट किए गया, अच्छा इसीलिए लग रहा है गलत हो गया, चलो चेक कर, सेल है ना, हम सेल्स में लिख दिए हैं, सिर्फ चेक नहीं कर पा रहे, इक्वल
काउंटिव ब्रैकेट ओपन रेंज में पूरा रेंज कामा डॉलर कामा सेलमैन लिखा मैं वहां सेल्समैन कर दिए चला गया। स्पेलिंग गलती कर दिया था मैं यहाँ पे सेलमैन और वहां पे सेल्समैन निकाल लिया ना। तो आप लोग आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो ही ऐसे ऐसे रिजल्ट निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। बोलो आप हो जाएगा कि नहीं।